सो हेलो 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 एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड भाई फाइनली भाई द बीफ सीजन इज ऑन। मैं एक हफ्ते से वेकेशन में बाहर था तो मैं रिएक्ट नहीं कर पाया, बट भाई मेरे पीठ पीछे इतना कुछ हो गया कि मेरे को पता ही नहीं लगा। कर्मा वर्सेस यंग गाले पे पूरी की पूरी बीफ यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। डिस्ट्रैक्ट पे डिस्ट्रैक्ट आ रहे हैं, एक एक दिन में डिस्ट्रैक्ट आ रहे हैं। एंड भाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि ये बीफ एक अलग ही लेवल की है। दोनों ही आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही ज्यादा अपने राइटिंग्स और बहुत इंटेलिजेंटली रिटन गाने लिखते हैं अपने। इनकी बीफ देखने में मजा ही अलग आने वाला है। हाँ, क्योंकि देखा जाए तो टेक्निकली ये बीफ डायरेक्टली स्टार्ट हमारे यंग वाले भाई ने करी है, क्योंकि कर्मा ने पहले गाना निकाला था एयरप्लेन मोड, जो कि उनका पहला गाना था लेवल से निकल के। इसमें काफी ज्यादा सबलिमिनल दिए गए थे कर्मा भाई के द्वारा, और उसके बाद यंग वाले भाई भड़क गए हमारे और उन्होंने गाना निकाल दिया। फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रैक्ट निकाल लिया। हमने इस चीज का ध्यान रखते हुए कि हमारा एक रिएक्शन चैनल है तो हमने सिर्फ कर्मा का एयरप्लेन मोड सुना हुआ है, लेकिन उसके अलावा हमने कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं सुना है, सिवाय आज जो कर्मा का रिलीज हुआ है जिसका नाम है यंग गलीच, जिसका हमने रिएक्शन वीडियो आज डाला हुआ है। अगर आपको वो देखना है ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उस पर चेकआउट कर सकते हैं। बट फिलहाल आज हम लोग पूरी इस बीफ पे रिएक्ट करने वाले, कैसे कैसे गाने आए, किसका क्या काउंटर हुआ, कौन सा राउंड का कौन विनर निकला, किसका पल्ला भारी है किसका हल्का है, सब कुछ आज इस पर डिस्कस किया जाएगा। एंड चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1, लेट्स गो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए वो सिर्फ फ्री एक क्लिक बटन है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत मायने रखता है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स हॉप इनटू द वीडियो। बैक टू 2015 खुश था वो वाइब में, पीता नहीं था ना ज्यादा हाई, कब दूध और मलाई से विस्की और जॉइंट्स पे पहुंच गया, पता ही नहीं कहाँ आ गई लाइफ। जो कल तक था जॉब पे आज हाथ में माइक है, पहले सुनी नहीं आज मांगते साइन है। बचपन में वायलेंट खूब करता फाइट, अब दूर है लड़ाई से क्रूरता दिखाई नहीं। लिया कुछ नहीं खुद औकात बनाई, ये बनते हैं रैपर रौका दिखाई। जो लंच में अकेला बैठा था साइड में, आज सबका दोस्त और आज सबका भाई है। नॉट फॉर द व्यूज एंड नॉट फॉर द हाइप, आई वांटेड टू रैप, ये ट्रू था असाइनमेंट। जो पहले भाई थे आज भी वो भाई है, चाहता के भाई भी ज्यादा कमाए। सो नाइस। पहले तो मैं गाने की शुरुआत की बात कर लेता हूँ। जो स्टार्टिंग वर्स है वो पूछ ली सारी स्टोरी की, कैसे कर्मा की क्या स्टोरी रही है, कि कैसे वो दूध मलाई से अब जॉइंट्स एंड दारू वगैरह लड़ाई में नहीं पड़ते थे, कोई नहीं जानता था, अब रैपिंग करने लगे। बट इन सब से हटके जो वोकल्स थे, जो डार्क बीट थी और उसके पीछे जो एक हल्का सा एक म्यूजिक बजता है, वो सब चीज़ें इतनी प्यारी साउंड करी है। जस्ट एक स्टार्ट देने के लिए गाने का, एक कोल्ड स्टार्ट, एक परफेक्ट स्टार्ट था। एंड टू बी ऑनेस्ट, कलमकार से निकलने के बाद पहला गाना था, पहले गाने की ऐसी इंट्रो एकदम परफेक्ट है। बीच में बीट स्विच देखने को मिली, 808 कान में बजे, बहुत अच्छी वाइब दे रहे, थोड़ी डार्क वाइब में गाना जा रहा है बट बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है लिसनर्स को। अपना कॉनबॉय मत भरो, वी जस्ट कॉनबॉयज, जिसे ये आउट रैप नहीं कर सकते, हम दैट बॉय। और पुसी से बात करने के लिए रखनी पड़ी मुझे कैट बॉय, सो मैं हूं। यंग गालिब ने कहा था अपने गाने में कि कैट वॉइस वाली बात कही थी, एंड उसी का रिप्लाई बैक करते हुए कर्मा ने कहा है कि पुसी के लिए बात करने के लिए हैव टू कीप दैट कैट वॉइस, एंड आगे से म्याऊं भी हुआ है। तो भाई हाँ, यहाँ पर अब काउंटर्स देने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे अब गालिब को। नाउ हुड में बचते रहेंगे, वहाँ गाने मेरे अभी यंग है, तू तेरे बस की नहीं बात, ख्याल इस बीफ का जाने दे, गेम में कौन डॉन, मोहल्ले का कौन भाई, प्यार था काफी पर जाने दिया उसे, हैड टू मेक अ डैम चॉइस, ये स्टॉक करने बन के फैन बॉयज, मैं स्टॉक भरूं जैसे सेल कोई, ये ऑप्स थे ऑप्स में मिल गए, करियर में कुछ नहीं उखाड़ा तो हिल गए, फ्लॉप्स हैं ट्रैक्स, ये कभी ना चल पाए, स्टोरीज की बदौलत एक शो मिल पाए, उसमें भी मेरा ही नाम, ये चिल्लाए मिली जो हाइप बस उसी में खुश रहे तेरी, इससे ज्यादा खुर्राक भी नहीं और इससे ज्यादा औकात भी नहीं, ऑनेस्टली आई एम डन विद यू गाइस, मैं खाली बैठा कोई आदमी नहीं, मुझे काम है 34 या डील्स है 35 तो क्यों रखूं इसका आंकड़ा, दो नंबर लोगों से नहीं, यहां बातें करोड़ों की है। ये जो पूरा नंबर्स के साथ अभी प्ले करा कर्मा ने, 34 34 काम है 34 डील्स है 35 का आंकड़ा, डैम भाई डैम। एंड ऊपर से पूरा यंग गाले पे शॉट्स लिए जा रहे हैं, हुड वाली बात करी गई है, यंग है तू, ओ सॉरी
यंग है तू एंड वो सब बातें करी जा रही है भाई, यहाँ पे सबलिमिनली शॉर्ट्स लिए जा रहे हैं, हर वो बात हो रही है कि शो मिला था इंस्टाग्राम स्टोरी, वो सब यहाँ पे अभी शॉर्ट्स लिए जा रहे हैं। कर्मा इज जस्ट ऑन इट, नेलिंग इट। ये साले सब सड़ रहे हैं, फ्लो मेरा कोरोस है भाई, दे कैन इवन रन नाउ, मेड इन ये ओवर है भाई, तुम कुत्तों में लैंडी हो भाई, मैं कुत्तों में टॉबर मैन भाई, तुम बेटे हो फादर मैन भाई, वो जॉइन करती शावर में ए, बूटी चढ़ी जैसे टावर में ए, मेरे नाउस में हाई रखते जॉइंट्स में पावर है ए, बंदा तो टू गुड है ए, बट स्किल्स में कोबर है ए, तो मुझको न तंग करे ए, ते खाली बटो करे ए, तो कर्मा अब शो पर है ए, और मैं नहीं बनूंगा हूं नेक्स्ट कलमकार जैसा, हैड सम सक्सेस नाउ कांट टेस्ट इट, लाइफ फैंटास्टिक लाइफस्टाइल बेसिक, माइंड है एट पीस, GOAT की मैं लास्ट बीट, ये बज रहे हैं GOAT की मैं लास्ट स्प्रीड। यहाँ पे शॉर्ट्स लिए गए एक्स कलमकार वालों पे भी भाई, जिस तरीके से उन्होंने अपना बिहेवियर करा कलमकार छोड़ने के बाद, जैसे उन्होंने वो इस चीज़ पे भी शॉर्ट्स लिए हैं, किड शॉट हर जैसे जितने भी लोग पहले कलमकार के साथ थे, अब यहाँ पर चीजें बहुत ही ज्यादा स्पाइस अप होती जा रही हैं। Crack pe, no ass cheek, actually yaad aaya kuch ass cheek se axi in my back seat doing nasty, I'm eating nasta, having pastry and coffee, me I'm planning to sleep so no caffeine, hua kaafi time pen nahi utha, 3 mahine se pucha have a skill gaare, mera mind kisi team pe nahi baith pa raha tha, mujhe songs nahi banane the ya bin baat ke, dark place dark mind dark thoughts, I was going through shit, I was in bad shape, still bangers banaye maine in that stage, I'ma drop this bomb jaise bin laden, mujhe chahiye nikim chahiye beyond se kuch plastic nahi real shit aur shit। यहाँ पर बताया जा रहा है भाई, हर एक स्टोरी नरेट करी जा रही है कि कैसे वो अपने लो फेज में थे बट स्टिल उन्होंने बैंगर्स बनाए हैं, बिन बात के गाने नहीं बना रहे थे अगर थॉट्स दिमाग में नहीं आ रहे हैं, एंड वो सब बताया जा रहा है। दिस बॉम्ब्स जैसे बिन लादेन ब्रो बार से याद आया कि ट्रैक का 12 तेरा लड़नी उखाड़ेगा तू 20 साल 20 सौ फ्री 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 ये शैडो वाली चीज मुझे बहुत ही प्यारी लगी वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी की, एंड उसके अलावा ये गाना जो था वो एक्चुअल में एक सबलिमिनल ट्रैक था, ये पूरा मैं फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रैक्ट नहीं कहूंगा बट ये बिगिनिंग थी टू द कर्मा वर्सेस यंग गालिब, जो बीफ अभी जो शुरू हुआ, जो डिस्ट्रैक्ट वाली जो कहानी शुरू हुई है उसका, क्योंकि इसी का रिप्लाई करते हुए यंग गालिब ने गाना निकाला जिसका नाम था बीस्ट मोड। बट फिलहाल इस गाने की बात करें तो इसके गाने के रेफरेंसेस बार्स राइम स्कीम्स जो भी इस पर बातें हुई वो सब एक नॉर्मल ट्रैक के हिसाब से देखा जाए बहुत ही अच्छी, बहुत डार्क कोर हिप हॉप, कर्मा हमेशा की तरह जैसे नेल करते अपने ट्रैक्स वैसा ही था। टू बी ऑनेस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी की भी बात करी जाए, कर्मा कलमकार से पार्ट हो गया है, लाइक अलग हो गया है, और ये उनका पहला गाना था कलमकार से निकल के, बट वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी बीट प्रोडक्शन सब देख के एकदम लग नहीं रहा था भाई की क्वालिटी में जरा सा भी अंतर आया है कलमकार से निकल के, और यही बात होती है यार एक टॉप आर्टिस्ट की, अगर टॉप लेवल का आर्टिस्ट है बीट वीडियो लाइक जो भी चीजें आती है गाने में हर चीज टॉप लेवल की तो होगी, और कर्मा ऑफ कोर्स भाई, एंड कर्मा की जितनी भी वीडियोस पुरानी भी थी कलमकार से रहते हुए सबसे ज्यादा एस्थेटिकली गुड वीडियोस और प्यारी वीडियोस उन्हीं की होती थी, उनके अलावा मतलब वो जिस तरीके से अपनी वीडियोस डिजाइन करते हैं, जिस तरीके से अपना दिमाग लगाते हैं इस चीज में, वो काफी मतलब तारीफ के लायक है। एंड गाइज यहाँ से हीट बढ़नी शुरू जाती है क्योंकि यहां से यंग गालिब इस बीफ को सीरियसली ले जाते हैं, वो अपना एक डिस ट्रैक फुल फ्लेज्ड ड्रॉप कर देते हैं जिसका नाम था बीस्ट मोड, व्हिच इज अ रिप्लाई ट्रैक टू एयरप्लेन मोड, सो लेट्स चेक दैट आउट। बंटा रिकॉर्ड्स छोटा तेरा पूरा परिवार क्यों, क्योंकि वहाँ प्यार नहीं बचा, सेल्फ मेड सब खुद के दम पे, इन्हें लगता कि हमें कारोबार नहीं पता, कलम से मैं कार ले गया, मेरी जीत देख तेरे लिए हार ले गया, सुना बहुत गम तेरी लाइफ में तो इस बार तेरे लिए बार ले गया, ज्यादा था मैं गाना पूरी एग्रेशन से स्टार्ट होता है, बीट भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, एंड भाई यहाँ पे कलम से मैं कार लेके आया जो वर्ड प्ले करा है, और ऊपर से वो एक परिवार क्यों टूटा भाई, आते ही यहाँ पे बैम बैम शॉट्स लेने शुरू कर दिए है, एंड भाई यहाँ पर आते पूरे के पूरे शॉट्स लेने शुरू कर दिए पूरे कलमकार के ऊपर, नॉट जस्ट कलमकार लाइक जस्ट कर्मा के ऊपर, बट उस चीज़ को पूरा क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्यों लेबल छोड़ा अगर इतना ही सब तू ठीक चल रहा था, क्यों परिवार क्यों टूटा। सुना बहुत गम तेरी लाइफ में तो इस बार तेरे लिए बार ली गया, जरा था मैं विस्तारा पे, ये खजूर आया सामने से इफ्तार पे, तूने खुद पहले जी पे किया तो फिर री पे किया तेरा उद्धार में, तुझे लगे मेरी औकात नहीं मैं भार तेरी औकात से, सुना मैंने तेरी टीम नहीं साथ में तो गाली कैसे खाएगा तो मिल बांट के।
लाइन अब तो सीधा सीधा भाई पता लग रहा है, क्योंकि सीधा सीधा बोल दिया गया भाई, अगर तूने करा था जीपे मैं तेरा उधार वापस देने आया, पूरे के पूरे शॉर्ट्स लिए जा रहे हैं, काउंटर हाँ, बैक किया जा रहा है हर एक चीज का। चलिए दो लाइन अब तक बहुत पसंद है। एक तो वही वाला कि कलम से कार ली, कलम कार, वर्ड प्ले बहुत अच्छा वर्ड प्ले था वो। और एक ये वाला कि अब तो तेरा परिवार साथ नहीं है तो तू गालियां कैसे खाएगा मिल बांट के। ये दो लाइन अब तक मुझे बहुत एग्जैक्टली अच्छी भाई, लगी भाई। बहुत ही प्यारी। हर तेरी औकात से सुना मैंने तेरी टीम नहीं साथ में, तो गाली कैसे खाएगा तो मिल बांट के। ये केंड्रिक लमार नहीं, केंड्रिक बीमार है, 35 है डील और 40 पगार है, 34 के अंकल को दिए सुधार है, 36 तू लेगा तो 32 ही भार है। मैं आया था सीन में पीस फैलाने। ओ गॉड दैट शिट, ओ भाई दिस ओवर पावर्ड दैट बार भाई, जो कर्मा का हमें सॉन्ग में अच्छा लगा था वो, कि हाँ, 34 35 36। हाँ 35 है डील है, 36 का आंकड़ा वाला भाई, इस चीज को पूरा हाँ ओवर पावर किया है भाई। वो ये बहुत ही ब्यूटीफुली एंड इंटेलिजेंटली रिटर्न था ये। खाएगा तो मिल बाट के। ये केंड्रिक लमार नहीं, केंड्रिक बीमार है, 35 है डील और 40 पगार, 35 है डील और 40 पगार अरे है, 34 के अंकल को दिए सुधार। 34 के अंकल को दिए सुधार है, इज ऑब्वियसली भाई कृष्णा की बात हो रही है यहाँ पे। 36 तू लेगा तो 32 ही भार है। मैं आया था सीन में पीस फैलाने, देखा जब बंटे के पीछे ये सारे कुत्ता नहीं कुत्ते के नाम पे कलम, के कुत्ता भी तुझसे ज्यादा वफादार है। कुत्ता, यहाँ पे कुत्ते वाली बात वो की है कि वो कर्मा ने अपनी पिछले रैप में कहा था ये कुत्ते, हाँ, पता नहीं कुछ तो कुछ कुत्ते अपने आप को किसी डॉग ये को अपने सा, आप को डोबरमैन बोला था, और हाँ हाँ ये इनको कुछ हाँ फालतू हाँ बोला हाँ था, हाँ 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 ये उस चीज का काउंटर बैक किया जा रहा है कि आई कुत्ता भी तेरे से रिमेम्बर। ज्यादा वफादार है। हाँ, ओ गॉड, जब बंटे के पीछे ये सारे कुत्ता नहीं कुत्ते के नाम पे कलम, के कुत्ता भी तुझसे ज्यादा वफादार है। हजलम गिए ले अगेरो में जिए ले, तब देखे ले लाइफ में इसलिए तो रियल है। अगली से बिल्डिंग लाखों में डीलिंग, खुदा है साथ में तो किसी का फियर नहीं। हजलम गिए ले अगेरो में जिए ले, तब देखे ले लाइफ में इसलिए तो रियल है। अगली से बिल्डिंग अब लाखों में डीलिंग, खुदा है साथ में तो किसी का फियर नहीं। तुम्हें को नहीं अच्छे से जानता, मैं शांत था क्योंकि रमजान था, एक दिन मैं देता रिप्लाई पर वेट कर रहा था मैं ईद के चांद का। मैं दिख ओके सो यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि रमजान था इसलिए मैं हाँ शांत था, अदरवाइज एक एक बहुत ही जल्दी रिप्लाई आता, उसी टाइम रिप्लाई आता, बट अब वो ईद के चांद का हाँ वेट कर रहे थे जो कि आ चुका है, एंड अब हमें यंग गालिब की साइड से वो ब्रुटैलिटी के सारे स्केल्स क्रॉस होते हुए दिखने वाले हैं। क्योंकि रमजान था, एक दिन मैं देता रिप्लाई पर वेट कर रहा था मैं ईद के चांद का। मैं दिखता नहीं हार जीत, मुझसे भिड़ेगा बनेगी चार्जशीट, 2 GOAT की लाश ब्रीड, तो इस साल होगी मेरी लास्ट ईद। ये भैया के घर में हम लोगों के काउंटर्स मैन, द काउंटर्स, ओ माई गॉड आई हैव टू से भाई द काउंटर्स आर जस्ट नेक्स्ट लेवल। जितनी इंटेलिजेंटली हर एक चीज का काउंटर बैक किया जा रहा है इज ग्रेट भाई, क्योंकि टू कर्मा ने कहा जी था कि मैं ओ जी ओ ए एट की टी लास्ट हाँ ब्रीड, तभी कहा कि ये फिर होगी मेरी लास्ट ईद, ईद में बकरे हलाल होते हैं, एंड भाई गोट, उफ यंग गालिब माय मैन भाई, दिस गाय इज जस्ट कर रहा भाई। टू जी ओ ए टी की लास्ट ब्रीड, तो इस साल होगी मेरी लास्ट ईद। ये भैया के घर में हम लोगों के दिल में, पुसी जब आएगी घुसेगा बिल में, लेबल क्यों छोड़ा जब लाखों के डील्स थे, लेबल को ट्रस्ट नहीं था क्या स्किल्स पे, पहले भी लिया था। ओ भाई पोक किया जा रहा है इस चीज को भाई, पोक भाई किया जा रहा है कि क्यों लेबल छोड़ा अगर इतनी लाखों की डील्स चल रही थी, क्या परिवार वालों को तेरे स्किल्स पे शक था। एंड ऑल्सो हाँ जो रफ्तार की लाइफ, रफ्तार और मुफाड़ की लाइफ पे बात हुई थी, कर्मा कहाँ रहता है, कर्मा रफ्तार के घर पे रहता था, एंड उस चीज को ले, हाँ उस चीज को भी पोक किया जा रहा है, फुल फुल पोक किया जा रहा है उस चीज पे। मैं तेरी ड्रिल पे, ये वो बिल गेट्स जो करते नहीं बिल पे, कर्म का फल ये खाना तो छिल के, हुड में जब आएगा जाना तो मिल के। यंगू काफी ये बात मैं मानता, हिसाब था बाकी बना बाकी, हान मां मैं लूंगा मुफ्त तो कापेगी आत्मा, लादी ने तू तो बना मैं ओबामा, प्ले मैं करते सीधा करते नहीं है गैस रोते नहीं है क्योंकि। ओफ, कर्मा ने अपने पिछले ट्रैक में कहा था ड्रॉपिंग दीज बॉम्ब्स लाइक हाँ ओसामा एंड सॉरी ड्रॉपिंग दिस बॉम्ब लाइक बिन लादेन, अब उसका पूरा नाम उसामा बिन लादेन था, और हाँ उसको खुद को यंग गालिब ने भी ओबामा कहा है, ओबामा ने उसामा बिन लादेन को मरवा दिया था अटैक करवा के, एंड वो हाँ इस चीज को रेफरेंस यूज करा गया कि यंग गालिब मार देंगे अभी कर्मा को। लादी ने तू तो बना मैं ओबामा, प्ले मैं करते सीधा करते नहीं है गैस रोते नहीं है क्योंकि लाइफ है बहुत ही ब्लेस्ड, जानती जनता यहाँ पे कौन है ज्यादा बेस्ट, उंगली करेगा दूंगा 1000 years ऑफ देयर, ट्रिगर तो किया तो दूंगा एंजाइटी लेकर। डेम, ये क्या बार था भाई मेरे भाई। को समझ नरूटो में नहीं है, फैंस, नरूटो जो लोग देखते हैं उनको ये चीज, हाँ मैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली नरूटो फैंस को ये मैं चीज नहीं समझ एनिमे में देखता आ तो मेरे को नहीं जाएगी। समझ में आएगा, तू मेरे को क्या है ये, हाँ
एक्चुअली नरूटो जो भी एनिमे है उसमें एक हाँ ऐसा मूव होता है कि जो ऐसे यू फिंगर आके एस में एस छू में, देता ओ है, एस में हाँ देते हैं। काकाशी, हाँ, अच्छा और फिर वो जिसके भी एस में देते वो जैसे उड़ जाता है, एकदम उड़ते हुए चले जाते हैं, लाइक ऐसे एक निंजा मूव होता है, हाँ, वो ही है कि तू उंगली करेगा तो दूंगा 1000 ईयर्स ऑफ डेथ। ओ तो इस भाई मूव को 1000 ईयर्स ऑफ डेथ कहते हैं। आ ओ गॉड, करेगा उंगली। ओ डेम डेम डेम, भाई रेफरेंसेस काफी, भाई मेरे को ये नहीं समझ में, मैं एनीमे नहीं देखता, बट ओके चलो। कौन है ज्यादा बेस्ट, उंगली करेगा दूंगा 1000 ईयर्स ऑफ डेथ, ट्रिगर तो किया तो दूंगा उसने वो एक्शन भी करा है। जानती जनता यहाँ पे कौन है ज्यादा बेस्ट, उंगली करेगा दूंगा 1000 ईयर्स ऑफ डेथ, ट्रिगर तो किया तो दूंगा, एंजाइटी लिखकर नहीं पीता मैं, मेरे में जायज नहीं, तेरे इलाके में मेरे भी भाई जी पड़ेगी, उधर आवाज इधर आएगी, गानों में ड्रामा करे है दम अगर सामना करे, खुदा तुझे कामयाब करे, आए बीफ का ख्याल तो ये नाम याद रहे मेरा। एयरप्लेन मोड से हटा दे फोन, गाना आ गया मेरा। This out, bitch. Damn, oh God, the counters and the references, the bars, the beat, the audio, the aggression, भाई सब कुछ मिला के this is a complete track, भाई this is a complete track and सही बात यार, ये बनी ना बात मजाक से भाई, हट गए। ये बनी ना बात भाई, this track इज लिट भाई, लाइक फॉर श्योर, लाइक अब तक के सबसे ब्रूटल डिस्ट्रैक्ट्स में मैं, चलो ब्रूटल तो नहीं कहूंगा बट सबसे इंटेलिजेंटली रिटन, बहुत ही अच्छे बार्स, अच्छे काउंटर्स, बेस्ट भाई। यार लिखाई बहुत अच्छी थी, काफी अच्छे अच्छे काउंटर्स दिए गए, काफी बार थे इसमें, काफी इंटेलिजेंट बार थे, काफी एग्रेशन था इस गाने में, प्रॉपर काउंटर किया कर्मा के एयरप्लेन मोड का, सुनने में मजा आया। एंड अब यहाँ से बीफ जो है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आने वाला है कर्मा का गाना, जो इसका एक रिप्लाई ट्रैक होने वाला है, हाउ टू टेम योर बीस्ट। तो अब उस पे चलते हैं एंड वो देखते हैं कि वो कितना अच्छा इसको काउंटर कर पाता है, क्या इस लेवल पे वो मैच कर पाता है या नहीं। सो लेट्स चेक दिस आउट। यंग गालिब ने गाना डाला था बीस्ट मोड, और कर्मा ने फिर गाना डाल दिया हाउ टू टेम योर बीस्ट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक मूवी है हाउ टू ट्रेन योर बीस्ट, वहां पे कर्मा ने अपना वर्ड प्ले किया ट्रेन की जगह टेम यानी शिकार करना, तो हाउ टू टेम योर बीस्ट मतलब ये कि वो यंग गालिब का शिकार कर रहे हैं भाई, और ऐसा वर्ड प्ले कर्मा ही कर सकते हैं भाई, कर्मा के एग्जैक्टली गानों के भाई, को नाम अलग ही लेवल के बोले। होती है। ओके, काफी डार्क बीट है। बन पाएगा स्टूडियो, अच्छा हुआ तूने बाहर नहीं हगा, अच्छा हुआ दिया तूने तेरा बेस्ट, तेरे फैंस को भी इतना बिगाड़ नहीं लगा, पर मेरे लोग जाने मेरा काम, मेरा एक सोल्जर तेरी आर्मी सफा, तूने कलम से कार ली पलटी की, वो यू नो यू भी सरकार की सजा मिलेगा, हेडशॉट हर बार देख, चौपड़ पट्टी के ऊपर पहाड़ देख। उफ 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 उफ, भाई अरे भाई, कलम से कार वाली लाइन का काउंटर्स यहाँ पे मिल चुका है, हेडशॉट सरकार। ओ भाई हाँ, विकास दुबे के टाइम पे जब उसका इनकाउंटर हुआ था उसकी कार पलटी थी, तो तेरी हाँ, कार पलटेगी, प्लस अभी हेडशॉट वाला भी सबको सीन पता है क्या हुआ है, यूपी सरकार वाली सजा भाई, बार बहुत ही टाइट रेफरेंसेस भाई, काउंटर्स भाई, ऐसे इंटेलिजेंटली काउंटर्स भाई, दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्ट्स भाई, कि तुम कितना इंटेलिजेंटली सामने वाले की इंसल्ट्स का काउंटर दे सकते हो। तू नो यू भी सरकार की सजा मिलेगा, हेडशॉट हर बार देख, झोपड़ पट्टी के ऊपर पहाड़ देख, झोपड़ पट्टी से मैं भी यू केम फ्रॉम द बॉटम, सिंपैथी नहीं खाई इस बात पे, ये मेरे पैर में पड़े जैसे कारपेट, देख लिया चांद अब स्टार देख, आई होप सब चिड़ी आ रही हो आधार पे, इन केस तुझे बंटी नकार दे, नो डोंट। ओ माय गॉड, द इंसल्ट्स एंड ब्रुटैलिटी भाई, एंड ऑल द काउंटर्स। पहली बात की देख लिया चांद अब स्टार दे, क्योंकि यंग गालिब ने कहा था कि मैं वेट कर रहा था ईद के चांद की, उस चीज का काउंटर बैक करा है। एंड ऑल्सो ऑल्सो एक और लाइन का काउंटर बैक करा जो कि मैं देख लेता, हाँ, कि झोपड़ पट्टी से मैं भी आया हूँ, आई ऑल्सो कम फ्रॉम द बॉटम, बट मैं उस बात की बार बार सिंपैथी नहीं लेता, जैसे बंटा रिकॉर्ड्स के हाँ काफी आर्टिस्ट इस चीज को कहते हैं कि हम लोग बहुत बॉटम से आए हैं, ये लोग इस चीज को बार बार रिपीट करते हैं कि वी हैव कम फ्रॉम द बॉटम, हम लोग झोपड़ पट्टी से आए हैं। तो कर्मा भी यही कह रहे कि मैं भी काफी लो से आया हूँ, बट मैं उस बात की बार बार सिंपैथी नहीं मांगता। नाउ फ्री 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 कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खा दोस्त, यू आर नॉट लुकिंग लाइक बीस्ट मोड, भटूरे की खमीरी चेहरे पे दिख रही, इट्स मोर ऑफ अ यीस्ट मोड आई गेस, तू लिख रहा कम मैन नाउ यू ईट मोर।
ओहो, भटूरे की खम। ओके, यहाँ पे फैट भाई। शेम किया जा रहा है यहाँ पे। एंड ऑल्सो यीस्ट मोड, क्योंकि वो ही है, भटूरे के अंदर यीस्ट डलता है, अगर किसी को नहीं हाँ पता, उसकी फुलावट बढ़ाने हाँ के लिए। तो यू लाइक अ यीस्ट मोड भाई। ओके, दिस इज लाइक इंटेलिजेंट इंसल्ट्स भाई, फनी। आई एम लविंग इट भाई, आई एम लविंग इट। बाय द वे आई एम लविंग इट। फैट शेम कर रहा है भाई, खुला करो, खुले में करो भाई। भाई मैं इसके एकदम यस अगेंस्ट नहीं हूँ भाई। यस, फुल पावर। चीप ब्रो, व्हाट इट्स फेयर टू बॉडी शेम जब ये बना रहे मजाक ऑफ माय स्पीच, तो कस दैट्स चीप ब्रो, यू आर फॉर मी इट्स ऑल ओके भाई। लाइक ओके, आई आई डोंट एग्री विद कर्मा। ओके, मतलब देखो, बॉडी शेम करना करो भाई, बट इट्स ओके यार, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो किसी का जो मजाक उड़ाना उड़ाओ भाई, बीच में इट्स ऑल फेयर, इट्स ऑल फेयर, कोई कोई हाँ दिक्कत नहीं है। यार, ये जो कर्मा ने यहाँ पे किया, बीस मोड़ का यीस्ट मोड़ कर दिया भाई, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा सुनने में। हाँ ब्रो, You're a noob in this bro, cause this sport needs pro, and all you got is some cheat code. So this beef joke, this goes for each of you lil hoes. Wanna take some of my inch? So suck a dick, give a deep throat heat, buddy, like a fucking heat stroke. Gar bad gaya taap. भाई द फ्लो वाज Damn, सो ये फिर से सिक। सुनना है, ये फिर से सुनना है। उफ, This beef ये joke, फिर से this bro, cause this sport needs pro, and all you got is some cheat code. So this beef joke, this goes for each of you lil hoes. Wanna take some of my inch? So suck a dick, give a deep throat heat, buddy, like a fucking heat stroke. गड़बड़ गया तापमान, ले कूलर कर देता हूँ सामने, मेरे गाने चले इनके नाम से, 1 से 23 में नाम लिया बाप ने। शेख चिल्ली को बोल के थैंक यू बोले, शेख चिल्ली से बनी औकात बॉय, और बाकी की बात तो वैसी, आई गॉट दैट डेविल्स बैक, दैट यूजीरो वाला हाथ बॉय। ओह माय बाकी की गॉड, बात, डेविल यूजीरो वाला हाथ, बाकी डेविल यूजीरो भाई, एनिमे रेफरेंसेस भाई, एनिमे रेफरेंसेस। ओके, ये सब तो मेरे पल्ले के बाहर है, बट अबाउट द शेख चिली थिंग, कि ऐसे बोला कि शेख चिली के कारण, बोल अपने शेख चिली को, पहले लाइन में रेफरेंस यूज करा एमिवे का, कि उनको शेख चिली बुलाया गया। दूसरी बारी जो रफ्तार का ट्रैक था, कि उसी की बदौलत वो बड़ा बना। ओके, ये वाले ये चीजें, उस चीजों पे कॉल आउट किया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे बढ़ गया तापमान, ले कूलर है सामने मतलब तापमान कंट्रोल करने के लिए ठंडक बढ़ा देनी यहाँ पर। और भी भाई बहुत सारी चीजें यूज करी है, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बार्स इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन उतना इफेक्टिव काउंटर्स नहीं हो रहे हैं अभी तक। आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। I got that devil's back, that Yujiro वाला हाथ boy. इन्हीं के क्रू के बंदे का कॉल आया, बोला गूगल पे में चोट डाला भाई, ये स्निच बिच वाले काम नहीं आते, तो स्क्रीनशॉट नहीं डाला भाई, मैंने बहुत दिन तक टाला, पर हमेशा मुंह पे नहीं रह सकता ताला boy, I'm that MVP of this rap game, मुझे किसी ने नहीं निकाला भाई, get your facts straight. एक्सपोज हो रहा है बहुत सारा, कि इन्हीं के क्रू, बंटाया रिकॉर्ड्स के क्रू के आदमी ने ही कहा था कि गूगल पे में चोट डाला, एंड यहाँ पर उसी चीज का यहाँ पे एक्सपोज किया जा रहा है। सो देयर इज अ विभीषण। ओके ओके ओके, Cause that you will need, and let me show you how to do it on a drill beat. My ops told me to run खुद की चाट तेरी बॉन। ये यंग गालिब ने अपने गाने में कहा था ना, ये कि ली थी हाँ तेरी ड्रिल बीट पे। ओफ 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 ओके, यहाँ पे अब ड्रिल बीट पे पूरा होने वाला है। How to do it on a drill beat? Beat switch. My ops gone with the wrong turn, खुद की चाट तेरी बॉन with the long tongue, bond का stone था वो condom. My swear घंटा नहीं जानता मैं कौन तुम, my swear जनता नहीं जानती कि कौन तुम. Cheer your boss, you can call if you want some. तारों की छाव में तेरी विदाई, no phantom. Bar complex is a quantum, you won't understand them. I'm drawing a line. तू इससे आगे ना बढ़ी और जोशों में करियर के घाटे ना करियो, मैं चिल्लर बना दूंगा, पिल्लर बना दूं, ये लौड़ा लसन वाली बातें ना करियो, मैं जानता बखूबी कि तू दी ओपन इंसल्ट्स भाई, उनकी बातें जो वो करते हैं रैप में, उसको लेम वो उफ 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 उफ। ओके, बट भाई द भाई फ्लो, क्या कड़क फ्लो था जो एकदम से शुरू हाँ, हुआ ड्रिल बीट के बाद, भाई बहुत एंटरटेनिंग था वो। एंड एक और बार था कि तारों के छांव में तेरी विदाई, नो फैंटम। जिन लोगों को नहीं पता, फैंटम रोल्स रॉयस की एक गाड़ी है, और रोल्स रॉयस आप लोगों को पता ही होगा उसका इंटीरियर कैसा होता है, एकदम अंदर बैठते हो तो तारे जैसा लगता है एकदम। तारों की छाओ में तेरी विदाई, नो फैंटम। ऑल्सो कर्मा ने स्टार्ट में गाने में बोला था कि देख लिया चांद, अब स्टार देख तू इससे आगे ना बढ़ियो और जोशों में करियर के घाटे ना करियो, मैं चिल्लर बना दूंगा, पिल्लर बना दूं, ये लौड़ा लसन वाली बातें ना करियो, मैं जानता बखूबी कि तुम में क्या खूबी है, यू वन द स्मोक देन जस्ट पास मी द डूबी, ये ली नहीं है नाम में पर पालू बसूड़ी, ये कैसी मशहूरी लेके घूमे नूबी देन बेबी। अगर तुम्हें चाहिए स्मोक पास मी द डूबी एंड नाम नहीं अली में, फिर भी भाई पसूड़ी, जो पसूड़ी गाना अली का है,
उस चीज का भी रेफरेंसेस रेफरेंसेस काफी यूज किए गए हैं। तेजुबिन की भिड़के ये जीतेंगे गानों से जल्दी बिन डाले कस्तूरी मसूरी में टूरिस्ट कस्तूरी में थी की भिड़के ये जीतेंगे गानों से जल्दी बिन डाले कस्तूरी मसूरी में टूरिस्ट की तरह या कूड़ा फैला रहा है तू भी म्यूजिक कंफ्यूजन करवाते हैं हार्ड फ्रॉम रूपीज इन टूपीज ये मांगे रिप्लाई जस्ट लाइक एन ओल्ड एज परवर्ट ड्यूटी पे क्यूटी से मांगे द पिक ऑफ अ बूबी स्कूकी पब जैसे ये एलए के बैठे सो टेक्निकल इट्स नो बन टाइक की प्यूबिक तो जब भी वन और जब भी मन बंटाई की बीट भी कितनी प्यारी है बीट ओ बंटाई की प्यूबिक भाई भाई दीज आर फनी इंसल्ट्स दीज आर फनी इंसल्ट गुड काउंटर्स बट लाइक स्टिल आई डोंट फील आई फील द वाइब ऑफ द बीस्ट मोड वाज अ लॉट बेटर लाइक उस पे जो काउंटर्स इतना ज्यादा ब्रूटली और उस वे में करे गए थे उस उतनी वो बात हो नहीं रही है बट चलो स्टिल दिस इज अ फेयर गुड ट्रैक तो जब उसमें लिरिक्स जो भी थे बड़ी एग्रेसिवली डिलीवर किया था बहुत ही ज्यादा एंड इट्स लाइक नॉर्मल की हां लाइक काफी पास पे द डूबी एंड ऑल और जब भी वो मन भी स्किल्स को करेंगे ट्राई छोड़ेंगे बंदों के कंधों पे दम पर अब नहीं ये मन दिस बीफ इज नो फन अगर ये फिर से मांगे रिप्लाई करूं इग्नोर इन दिस ये डन So according to Karma, this beef is no fun for him. He doesn't want to be a part of it. He's just bored and he just finds this lame. तो नहीं आगे नहीं करना है. But overall, this track was a pretty decent diss track. I would say it had good references. बहुत ही अच्छे references. The start of the track was very good. अच्छी insults. बंटाई की प्यूबिक वगैरह कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा फनी और इंसल्टिंग थी बट ओवरऑल इफ आई हैव टू कंपेयर दिस विद बीस्ट मोड जो हम यंग गालिब ने डाला था आई फाइंड बीस्ट मोड टू बी अ बेटर ट्रैक अगर मेरे को राउंड वन का विनर डिसाइड करना है तो आई वुड गो विद बीस्ट मोड विच इज बाई यंग गालिब बिकॉज उसके अंदर जितनी इंटेलिजेंटली पूरे उसको यूज किया गया था रेफरेंसेस को और जितनी इंटेलिजेंटली काउंटर दिए गए थे वो सबसे बढ़िया बात थी भाई क्योंकि वो 36 वाला जो जितना भी वो पार्ट था दैट वॉज जस्ट मजा आ गया वो सुन के तो मेरे को अकॉर्डिंग टू मी यंग गालिब इज द विनर ऑफ फर्स्ट राउंड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू सुमित भाई टू बी ऑनेस्ट मेरे को ज्यादा डिफरेंस से नहीं जीता यंग गालिब भी जीता है क्योंकि एग्रेशन था आर्ट थे काफी कुछ था यंग गालिब भी विनर है बट ज्यादा पॉइंट से नहीं जीता लाइक बिल्कुल बहुत क्लोज था बहुत ज्यादा क्लोज था इसमें ये गाना भी मुझे काफी अच्छा लगा स्टार्ट में कलम से कार्ली पलटेगी हां बिल्कुल बिल्कुल हेड शॉट यू की सरकार ये गाना भी बहुत क्लोज था टाइट राइटिंग थी काफी ज्यादा बट वही बात है कि ये गाना एग्रेसिवली उतने अच्छे से डिलीवर नहीं हुआ बस इस वजह से यंग गालिब का ट्रैक थोड़ा बेटर साउंड कर रहा था बस बिल्कुल बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी इंटेलिजेंटली उसके अंदर काउंटर्स दिए गए थे इस पे थोड़ा सा मतलब वो चीज मेरे को कम लगी बट अदरवाइज दिस ट्रैक वाज आल्सो वेरी गुड ट्रैक काफी कम मार्जिन से बहुत क्लोज था लेकिन अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट राउंड का विनर जो है वो यंग गालिब है विद दिस ट्रैक बीस्ट मोड अब इसका रिप्लाई ट्रैक सुनने की बारी आ गई है जो यंग गालिब ने डाला था जिसका नाम है बबली अब जैसे एमिवे ने नाम दिया कृष्णा को पिंकी गालिब देंगे कर्मा को बबली अब ये चीज होने वाली है यहाँ पे सो लेट्स चेक दैट आउट ओके यहाँ पे बंटा रिकॉर्ड्स ओ कैसा तेरे पास नहीं स्टूडियो तभी दिया रफ्तार ने जगा सितारा तो चमका क्यों नहीं क्यों दिया तुझे कलमकार ने भगा हम खाते पीते घर से बोए मैं भैया के घर नहीं पला पूरा डीएचएस फैक्ट ये जानता पूरा परिवार बंटाई के नाम से चला हाँ इसको बोलते असल बीफ इसको बोलते असल गला क्या बचका ने ऐसा बचते इधर ड्रिल पे भेजे पे नहीं अब दूंगा मैं दिल पे पलटेगी कार नहीं पलटेगा बार कभी भी आ जाना बाबा तू स्किल्स पे हल्के में ओ आते ही बहुत सारे काउंटर्स वापस से कुछ चीजें रिपीट हुई हैं कि वही कि क्यों दिया भाई ने भगा भाई के जगह पे तू रहा खुद की जगह नहीं थी रफ्तार की जगह पे रहा और वही कि हम अच्छे घर से हैं हम तो खुद की जगह पे रहे हैं भाई से जगह नहीं मांगी और बंटाई के नाम से तुम्हारा पूरा परिवार चला वो सब चीजें काफी लाइक ये सब ऐसी बातें भाई सीधा दिल पे लगती है लाइक अगर कोई तुझे बोल रहा है आके हाँ एग्जैक्टली घर पे आया जैसे तेरे को बोलते हैं सब जैसे तेरे को बोलते हैं सब कि भाई तू तो अपने भाई के रिएक्शन चैनल पे पल रहा है तेरा खुद से तो तूने कुछ नहीं करा जो वो चीजें अब तेरे दिल पे लग रही है ना तेरे दिल पे लग रही है वैसे भाई उसको लग रही है दिल पे तो समझ रहा है तेको वो दुख पता लग रहा है वो चीज है भाई तू ये तेरी भूल है पैरों की कार नहीं पलटेगा बार कभी भी आ जाना बाबा तू स्किल्स पे हल्के में लेगा तू ये तेरी भूल है पैरों के नीचे तू पैरों का धूल है शेडी की राइम्स की मेरे को सिखाएगा हाँ मेरे हुड में हिप हॉप का स्कूल है पहाड़ी कुत्ता नहीं सकता था हार्ड बे
झोपड़ पट्टी नहीं तू है पहाड़ से, झोपड़ पट्टी का लड़का जो लेने पे आया तो संन्यास ले लेगा पहाड़ पे, अपन है शेर। पहाड़ी देहरादून से है कर्मा, तो उस चीज पर उनको बार बार उस चीज पर सुनाया जा रहा है कि तू झोपड़ पट्टी से नहीं, तू है पहाड़ से, एंड अगर झोपड़पट्टी वाले से भिड़ेगा तो संन्यास ले लेगा, संन्यास, हाँ तू संन्यास ले लेगा पहाड़ पे। एंड लाइक जितनी भी चीजें थी, पैरों की धूल, कारपेट वाला भी जो लाइन था कर्मा का, उस पर भी काउंटर दिया जा रहा है। अभी तक तो ये ट्रैक लाइक बहुत ही ज्यादा बिल्ड, बहुत ही अग्रेसिवली डिलीवर, बीट बहुत ही ज्यादा हाई अग्रेसिव है, बहुत ही मजा आ रहा है अभी तक तो। तेरे प्यासे खून के घुसेंगे धुन पे, मारेंगे धुन के, मुझे चलते दिखेगा रेड कारपेट पे, मेहनत की कमाई तभी भार पेट, ये तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, तुझे से 10 मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठे, सब सीढ़ी हम कर सकते पार बे, ये तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, तुझे से 10 मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठे, सब सीढ़ी हम कर सकते पार बे, सब सीढ़ी नहीं चाहिए आधार पे, बंटी नहीं बचकाने बंटा है बुला। वर्ड प्लेस भाई, सब्सिडी, वो जो सब्सिडी आधार वाली लाइन मारी थी कि सब्सिडी हम चढ़े, सब्सिडी लाइक स्टेयर्स वाली सीढ़ी एंड सब्सिडी आधार वाली, ओ भाई भाई, की कमाई तभी भार पेट, ये तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, तुझे से 10 मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठे, चौकीदार है तो जैसे ओके, सब सीढ़ी हम कर सकते पार बे, सब सीढ़ी नहीं चाहिए आधार पे, बंटी नहीं बचकाने बंटा है बुला, फिर तू भी ले सकता है कार बे, चार फेका कौन बना के। भाई भाई पूरा पोकिंग चल रही है यहाँ पे भाई, बहुत ही बुरी वाली, जैसे ना लेने वाली बात होती है ना कि भाई गंदी तरीके से ले रहा आदमी, वो चल रहा है भाई यहाँ पर अभी। बंटी नहीं बंटा है बुला, तब तू भी ले सकेगा कार पे, और भाई एडलिब्स में बोला बीमर भाई। ये सब छोटी छोटी चीज है भाई जो एक ट्रैक को, एक डिस ट्रैक को बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल बना देती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये चीजें ना चुभती हैं भाई। बंटी नहीं बचकाने बंटा है बुला, फिर तू भी ले सकता है कार बे, चार फेक अकाउंट बना के ट्विटर पे, हकले को लग रेला हाइप पे, कम बक तू है डम फक, बस इतने से फेम के तू लायक है, तू लेबल का फेंका हुआ कचरा, हाउ यू फीलिंग लिविंग इन अ डंपस्टर, सामने से आया तू कैसे मैं जाने दूं, अब पे लेगा तुझे ये यंगस्टर, बबली का ले रहा मजा में फ्री, यंग वाली लाइन पे भी काउंटर दिया गया है, एंड डंपस्टर वो सब चीजों पे भी काउंटर दिया गया है। फिल्म के तू लायक है, तू लेबल का फेंका हुआ कचरा, हाउ यू फीलिंग लिविंग इन अ डंपस्टर, सामने से आया तू कैसे मैं जाने दूं, अब पे लेगा तुझे ये यंगस्टर, बबली का ले रहा मजा में फ्री फ्री, बबली खुद दे रही मजा है फ्री फ्री, मालूम ना रेडिस का क्या है फ्री फ्री, राखी के घर में बल्लाए फ्री फ्री, बबली को दे बार बार राखी के घर पे पलाइए। इस चीज का बहुत बार रेपिटेशन हो रहा है, लाइक पिछले दो ट्रैक्स पे इस चीज की काफी भैया भैया वो चीज काफी है, मजा है अभी तो पिक्चर बाकी है, बबली तेरी लेने के लिए तैयार था, जैसा मोन बीफ मोड, कोलेस्ट्रॉल खत्म, कोलेस्ट्रॉल वाले अब बैठो और डस्ट हो, तेरे भैया से मिलिए, ओ द कोलेस्ट्रॉल, छोले भटूरे, छोले स्टॉल, छोले स्टॉल भाई यार, अब डिश धो भाई, अब बैठो और डिश धो, तेरे भैया से मिली है सीख ब्रो, आगे बढ़ने का यही है चीट कोड, एक नंबर अंग्रेजी तेरी, रो कभी पुरस्कार देता हूँ देखो ले, खुदा का खौफ है सीने में, बम्बई या जिगर तो दुनिया का डर क्यों, भिड़ने पे आती तो जानती जनता, हिप हॉप में लग जाता कर्फ्यू, घोड़े जो अपने को गायब कर डाले ना, गलती से आना नजर तू, कूलर की जरूरत नहीं घर पे दो एसी, मैं जब चाहूँ मौसम बदल, तेरे भैया को बोल के थैंक, बड़ा तापमान तो ले कूलर, कूलर वाले यार बाहर दिया था उसका काउंटर बैक की, दो एसी लगे हैं मैं मौसम बदल दूं, ओके सर तू, कूलर की जरूरत नहीं घर पे दो एसी, मैं जब चाहूं मौसम बदल, तेरे भैया को बोल के थैंक यू, बोले शिक्षित से आया हिप हॉप में, समझ में आया जब भैया ने डिस किया, क्योंकि पहले से बंटाई है टॉप पे, यू गॉट डेविल्स बैक, मेरे पे खुदा का हाथ है, ढस नहीं पाए जो आए ले साफ, जो साथ वाले साथ रह के करे ले घात, उनका ऊपर ही होगा हिसाब बे, उस चीज का जो कर्मा ने बोला था कि तेरे ही क्रू वालों ने कहा था कि भाई गूगल पे में जो तारीफ करी थी उसका, ये चीज का, ये उस चीज का है कि जो साथ वाले घात कर रहे हैं, ओके 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 भाई, दिस इज पाए जो आए ले साफ, जो साथ वाले साथ रह के करे ले घात, उनका ऊपर ही होगा हिसाब बे, मेरा हुड बाबा पहले से कौन था, विजन है लॉन्ग टर्म, बसा ने रॉन्ग टर्न, पता ना कौन था, एनिमीज बहुत है, मेरे एनिमीज बहुत है, मिलेगा भिड़ेगा मेरे से तो जगह पे मौत है, लाइन हो गई है, तेरे एनिमीज बहुत है, मेरे एनिमीज बॉट है, क्योंकि कलमकार वही तो बॉट, अरे भाई ये फ्लो कितना तगड़ा था भाई, कितना फ्लो टाइट था ये, एंड उसके अंदर ओ अपने हुड को भी कॉम्पिटेंट बुला दिया भाई, डैम यार बॉट है, मेरे एनिमीज बॉट है, मिलेगा भिड़ेगा मेरे से तो जगह पे मौत है, लाइन हो गई ये क्रॉस, ये जोश में कभी नहीं पहुंचेगा शाहरुख के पोच में, ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा, अकेला तेरे लिए बहुत मैं, देखो ओ डैम, डैम भाई डैम, शाहरुख शेख
खुद को सलमान बुलाया गया है क्योंकि कर्मा का असली नाम विवेक है, तो वही विवेक ओबेरॉय वाला जो सीन है, इस करियर खाएगा सलमान ये। ओ गॉड भाई, दिस इज इंटेलिजेंट राइटिंग भाई, यही इसकी ही चीज एक परफेक्ट डिस्ट्रैक्ट बनती है। शाहरुख के पोच में ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा, अकेला तेरे लिए बहुत मैं। देखो मालूम नहीं क्या मेरे अंदर की खूबी, मैं सीन में कीमती जैसे मैं रूबी। आई वांट ऑल द स्मोक, मैं फूकता नहीं डूबी, मैं फूकने पे आया तो जलेगा तू भी। स्मोक वाले टाइम पे इसने जो पॉप स्मोक वाला वोकल यूज करा है, मैं कीमती जैसे मैं रूबी। आई वांट ऑल द स्मोक, आई वांट ऑल द स्मोक, ओके ओके बहुत मैं। देखो मालूम नहीं क्या मेरे अंदर की खूबी, मैं सीन में कीमती जैसे मैं रूबी। आई वांट ऑल द स्मोक, मैं फूकता नहीं डूबी, मैं फूकने पे आया तो जलेगा तू भी। वीडियो में आंखें लाल लग रही, काउंटर नहीं दे रहा क्या गांड फट रही। ये लौड़ा लसन वाली बात किया, इससे पता चला यहाँ पे कौन छपरी। चिल्लर उठा के हम पिल्लर बना देते, अच्छे अच्छे की हम फिल्म बना देते। लेवल से निकल के डिस नहीं करता, बीआर में आ जाता करियर बना देते। अभी अमन तेरी लेंगे हम, क्यों जा रहा मैदान छोड़ के नई गांड में दम। अभी तो जस्ट शुरू है जंग, ये बीफ नहीं एक तरफा, सो आई एम नॉट डन बिच। कैसा गर्म है वे जो तू वापस नहीं आएगा, और अगली बार आएगा तो काउंटर लेके आना, समझा गया पब्ले। ओह काफी सिमिलर वाइब टू केआरएल साइंस भाई, काफी सिमिलर टू केआरएल साइंस। अगर हम लोग कलर रेड लाइट, रेड लाइट्स की बात करें, रेड लाइट थीम यहाँ पे यूज करी गई, जैसे जो सबटाइटल्स जो लिरिक्स थे वो भी वैसे फ्लैश करे गए, एंड में बबली और वो वाला जो लाफ था जो जैसे केआरएल साइंस में था वो भी सेम था, काफी सिमिलर। बट एक चीज भड़ भी नहीं बोला बस बाबा एक लाइन जो बहुत ही मेरे को प्यारी लगी, विच इज तू कैसा कर्म है जो तू लौट कर वापस नहीं आएगा। ओ भाई ये चीजें, ये सही बात है, सही बात है। ये जब आप एकदम शब्द एकदम प्यार से यूज करते हो ना, दिस फील्स ग्रेट भाई। एंड ओके अब दिस ट्रैक वाज प्रीटी गुड। A lot of things were repetitive, to be very honest. A lot of things were repetitive. जो चीजें repeat हो रही थी, भैया वाली चीज काफी repeat हुई, ठीक है, label से निकाल दिया वाला काफी repeat हुआ, जबकि कर्मा ने उस चीज का counter दे दिया था कि मैं label से निकला नहीं हूँ, get your facts straight, कि मैं निकाला नहीं गया हूँ, मैंने छोड़, मतलब जो भी था क्वार्टरली छोड़ा है, लेकिन उस चीज को बार बार, अब वो तो आर्टिस्ट का काम है पोक करने का, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को कुछ ज्यादा सिमिलैरिटी लगी नहीं। अगर मैं लिरिक्स के बारे में बात करूँ, बातों के बारे में बात करूँ, क्योंकि काफी सिमिलर सी बातें हुई हैं। ट्रैक बीट वॉज गुड, द लिरिक्स वर गुड, एंड एवरीथिंग फ्रॉम द एग्रेशन, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। बट वही बात आ जाती है, मेरे को ये ट्रैक काफी सिमिलर लगा के आर एल साइड से, लाइक लिरिकल वीडियो थी प्रॉपर, वैसे एकदम बीच में लिरिक्स आ रहे थे, रेड कलर की वाइब में पूरी वीडियो थी, बीट भी काफी हद तक वैसी थी, एंड जैसा तूने बोला एंड में वो पिंकी हा हा हा, फिर वो बबली हा हा हा, तो काफी सिमिलर लगा मुझे केआरएल साइन से। इसका काउंटर देख लेते हैं, जिसका रिएक्शन वीडियो हमने आज भी डाला था, तभी हम लोग इस चीज के बारे में बात करें कि कर्मा ने भी इस चीज को कॉल आउट करा है, बट हम लोग सीधा वीडियो देखते हैं, लेट्स हॉप इनटू द वीडियो इन 3 2 1 लेट्स गो। But violence likes me. I can't avoid. ओके यहाँ पर आते ही जो पीछे बजा है KGF का iconic डायलॉग violence वाला, एंड यहाँ सब गाना शुरू होने वाला, so let's see. दिए वार्निंग तो ट्रैक पे रहम रखा, सोचा ये सैवेज है इस गांडू ने वहम रखा, सारनी चमक रहा तो चश्मा क्यों है वीडियो पे, सुना ग्रुप्स पे लिखा तूने कज अकेला तू सहम रखा, जानता के कौन तेरा गुरु है, तेरा लास्ट सुसी का हूँ बहू है, बेटा गोटे आने वाले तेरे मुंह में, कस तेरे करियर से बड़े तो तेरे बूब्स हैं, असल में यंगा लिप चंगा ले, इसको बोला मत पंगा ले, काम है भंगा ना बना। यहाँ से भाई ब्रुटैलिटी स्केल अलग लेवल पे, अब तक ये ट्रैक्स ना ऐसे जा रहे थे एयरप्लेन मोड यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद आया बीस मोड, वो इधर आया, ठीक है, फिर आता है कर्मा का क्या कहते हैं उसको, हाउ टू टेम योर बीस्ट, वो इतना तक, ठीक है, फिर आता है यंग गालिब का क्या नाम है उसका, बबली, बबली बबली, वो आता है इस जगह पे, और ये यंग गलीज इधर चला गया अलग ऊपर चला गया भाई, वो मतलब यहाँ पे सीधा गाली गलोच पे आ गया अब सिस्टम। तो तेरे बूब्स हैं, असल में यंग गालिब चंगा ले, इसको बोला मत पंगा ले, काम है भंगा ना बदना, मैं करना फंदा है जंजाल है, पूरी लेबल बुला के सिंगल हैंडेड ही तबाए लूंगा। अब यहाँ पर इस चीज को यूज करा जा रहा है क्योंकि अब कर्मा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो वो कह रहे हैं अब वो सिंगल अकेले लिख रहे हैं वो सारे गाने, बट इनकी जो पूरी टीम है बीआर की वो लगी हुई है इनके अगेंस्ट, तो अब यहाँ पर चीजें अब
ओह ओके अकेला संभाल तू बंदे 45 मंगा ले तू लेबल का नौकर मैं इंडिपेंडेंट नया कार देख रिवर्स में यू नो दिखा रहा तूने खुद नहीं लिखा तभी लिप सिंक नहीं हुआ तभी मास्क पहन लिया तभी मुंडी दिखा रहा फर्स्ट ऑफ फक योर हुड एंड द क्लिक ओके अब यहाँ पर जो उनो कार्ड प्ले कर रहा है क्योंकि अब तक जो एमीवे थे वो इस चीज को यूज करते थे कि अपन इंडिपेंडेंट तुम लेबल में कह दो क्योंकि अब कर्मा ने अपना लेबल छोड़ दिया है सो अब वो इस चीज को यूज कर रहे हैं वो भी कहा कि देख उनो कार्ड रिवर्स मैंने खेला है एंड ऑल्सो ऑल द थिंग्स ही वाज सेइंग कि लिप सिंक नहीं हुआ तो खुद नहीं लिखा तभी तेको मास्क पहन के वीडियो बनानी पड़ी पूरी उस चीज को लेके सुनाया जा रहा है कांप गई I can see that you're tame English नहीं आती कमारों को so let me explain public ये बीस था पाल तू अब control में है मेरा मन नहीं था पर इसने पहाड़ को ललकारा इनका कर्मा आया सामने भगवान बनके ये पिक्चर करण अर्जुन नहीं बलि तेरी ही चढ़ेगी साला शाहरुख शेख का या सलमान बनके यहाँ पर उस चीज का भी काउंटर दिया जो विवेक वाली लाइन थी विवेक वाली लाइन का भी काउंटर दिया गया है कि सलमान बनके जो भी बनके या कर्मा वापस आया भगवान बन के ओफ वो लाइन लाइक मेरे को ऐसा लगा था कि वो कैसा कर्मा जो वापस नहीं आएगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी लाइन थी इसको इक्वली उतना ही अच्छा भगवान बन के वापस पिक्चर करण अर्जुन नहीं बलि तेरी ही चढ़े करण अर्जुन पिक्चर में दोनों सलमान और शाहरुख साथ थे साला शाहरुख शेख का या सलमान बन के विवेक आनंद ले रहा ओबेरॉय के लाउंज पर और इसकी ओबेरॉय के लाउंज पर ओबेरॉय एक 5 स्टार होटल है विवेक आनंद ले रहा ओबेरॉय के लाउंज पर और इसकी हाइट इतनी झांट के फेयर बॉल भी बाउंसर अकाउंट्स की बात करे खरीद लूंगा तुझे खाने के काउंटर छोड़ेगा तभी दिखेंगे काउंटर क्या बोलते खाने के काउंटर्स छोड़ तेरे को काउंटर्स दिख जाएंगे मेरे रैप में ओके ओके अब दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस रैप भाई जो भी होने वाला ना दिस इज माय फेवरेट पार्ट करे खरीद लूंगा तुझे खाने के काउंटर छोड़ेगा तभी दिखेंगे काउंटर क्या बोलती अनवरी उठा अपनी मंडली हर रात पे शैंपेंस तो तभी करना बबली अलग तोरा जंगली सारे कर रही उंगली आज सबको मिलके अपन चौसठ पे बैठाते एक ही बात बार बार ले सबक सकता नहीं भैया लेबल हुट के आगे कुछ बक सकता नहीं एक वो वक्त था भाई जब मैं बीस से था ट्रू भाई लाइक मेरे को गानों में ना काफी वही चीज सिमिलर लगी कि भैया के घर पे रहा भैया के घर पे रहा लेबल ने क्यों निकाला लेबल ने क्यों निकाला और हुड में तो हुड में आएगा तो मुझसे मिल के जाना वही चीजें काफी रिपीट हुई थी लाइक काउंटर्स थे बट उसके अलावा से वही चीजें रिपीट हो रही थी एंड ऑफकोर्स दैट कंपनी का जो फ्लो यूज करके जो उसकी जिसकी जो माँ बहन करी गई है कंपनी के फ्लो की तो नेक्स्ट लेवल भाई आई कैन नेवर इमेजिन भैया लेबल हुड के आगे कुछ बक सकता नहीं तो अब मैं तो यही रिपीट पर सुन रहा हूँ भाई कंपनी नहीं अब रील्स बनेगी क्या बोलते गणमरी की बात बार बार ले सब बक सकता नहीं भैया लेबल हुड के आगे कुछ बक सकता नहीं एक वो वक्त था भाई जब मैं बीस से था दूर अब कसाई बना साला कोई बक सकता नहीं करा घाट घाट काम बीपीओ 280 स्टार एक रात की पॉलिश में शाइन नहीं हुआ माना गलतियां करी होंगी मैंने भी तमाम पर किसी चूतिए रैपर के अंडर साइन नहीं हुआ जब इनका नाम भी नहीं लिया सीधा गाली गलोच बेइज्जती कि भाई गलतियां भले ही मैंने बहुत करी होगी बट किसी एमवी को भी पूरा टारगेट करा गया इसमें थोड़ी लाश इनकी आई कैन सी तेरी राइटिंग वीक और पैशन नहीं वी मेकिंग चीज और चेहरा पीला पड़ा तेरा बिल्कुल मैक एंड चीज नकल पंच दिया तुझे बोले नकल चीज दिस फ्लो सो स्मूथ ये लगे बिल्कुल मक्खन चीज और उस बंटी को बोलो कि डोंट सेंड किस जो बाप दादा का बदला ले तू वो फैजल नहीं फैजल शेख शीशे में जाके शक फैजल शेख यंग गालिब का असली नाम है एंड बदला नहीं ले पाएगा तेरा फैजल भी बिकॉज वो डायलॉग है बहुत आइकॉनिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कि सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल वो चीजें हैं कल दे कैन लुक हाउ अग्ली दिस बीफ बी टर्निंग और इनकी कान जल रही डैम बंडी की तरह गंदे खेल मत खेल अभी से ओवेसी की तरह तू हेट फैला रहा यू कॉल मी वॉचमैन गाइस मेरे को पता है ओवीसी एक पॉलिटिशियन है जो हेट स्पीच देता है भाई मेरे से गलती होगी अगर मेरे को गलती से मैं उस टाइम पे भूल गया मेरे को उस टाइम पे नहीं दिमाग में आया मेरे से माफी मैं गलती मैं उस टाइम पे कुछ नहीं था अपने माइंडसेट पे मेरे को भाई मत हेट दो यार मेरे को भाई ऐसे मत करो यार प्लीज यार आई एम सॉरी एंड आई अपोलोजाइज प्लीज भाई तेरा अटेम्प्ट फेल का चौकीदार ही बितारा तू हेट फैला रहा यू कॉल मी वॉचमैन तो हुआ तेरा अटेम्प्ट फेल का चौकीदार ही बैठ के यहाँ देश चला रहा हम पर्वत से पर्वत नहीं दिल पत्थर पर रबर मत भई कर्मा से टक्कर बरकत नहीं चारों खाने चित करवट नहीं जन्मों जन्मों की सना के निकलती जब भी पन्नों पे पता नहीं लगता बंदों का यंगाडू जैसे कितने थे जो मांग रहे थे हाई
जा रहे थे लाइफ गुजार रहे हैं लाइफ साले आदमी नी वाइफ की या जान के रिप्लाई ताकि मार दूं ये कीड़े तेरे एग्जांपल बनाया कोई आगे ना भिड़े ए ओ भाई द होल फ्लो स्विच जो पूरा एकदम पर्वत से नपर्वत वो वाला पूरा करते करते तो फिर जा रहे थे लाइव एंड उस चीज को भी कॉल आउट की लाइव जाते हैं बीफ करके लाइव जाते हैं हाँ। मांग रहे थे हाइप उफ 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 भाई दिस इज क्रेजी अब जाके भरा जी जी जा किया तुझे फ्री फ्री नो मोर राउंड थ्री थ्री तू यंग है बट नॉट जी बीच में वो जो कंपनी वाला पार्ट भाई ये सब चीजें ना इंटरेस्टिंग बन जाती है ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है एंड सब बढ़िया था इस ट्रैक में सब कुछ बहुत अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इस पूरी बीफ का सो फार द बेस्ट ट्रैक इजिली राउंड टू का विनर तो मैं इस ट्रैक को घोषित करूंगा ही बट मेरे को अभी तक के पूरे बीफ का ये सबसे बेस्ट इस ट्रैक लगा है आगे जाके और क्या होता है यंग गालिब को जिससे भी डेंजरस लेके आते हैं आई होप ही डज मेरे को पता है वो बीफ में अभी इतनी जल्दी रुकने वाले हैं नहीं कर्मा से मेरे को पता नहीं क्यों एक्सपेक्टेशंस लो हैं कि वो शायद से कुछ और आगे ट्रैक्स निकाले आई होप वो निकाले मैं चाहता हूँ बट ही डजंट फील दैट इंटरेस्टेड इन दिस बीफ बट यंग गालिब इज कर्मा ने इस गाने में भी बोला नो मोर राउंड थ्री हाँ एग्जैक्टली नहीं लगता कि कर्मा डालेगा वैसे कर्मा ने तो वो भी बोला था कि अब करूंगा इग्नोर इन दिस वी आर डन बट उस हाँ क्योंकि उस चीज को पहाड़ वाली चीजों को ड्रैग करने लग गया ना पहाड़ी वाली उस चीज को वो ड्रैग करने लग गया जिसके लिए ही हैड टू कम बैक एंड रिप्लाई तो यंग गालिब शुड हैव गॉन देयर पहाड़ी वाली चीज पे बिकॉज दैट ब्रॉट हिम हेयर विद अ लॉट ऑफ ब्रुटैलिटी एंड दिस वाज अ कंप्लीट बैंगर भाई एंड दिस विल बी ऑन माय लूप एंड आप लोगों को गाना कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आपको इस पूरे राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री के कौन विनर्स थे आप वो सभी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको इस पूरी बीफ के ऊपर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं किसको आप चाहते हैं और जिसके ट्रैक आपको अच्छे लगे प्लीज हमें नीचे कमेंट करके बताइए गिव योर ओपिनियन For us in the comment sections, आप इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोज के लिए तब तक हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में तो बाय बाय टेक केयर लव यू गुड नाइट टेक केयर स्वीट ड्रीम्स मुआ